सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल डेली ट्रेंडिंग न्यूज। चलिए एक नजर डालते हैं कल की टॉप 10 खबरों पर। दिल्ली में खेले गए वर्षा प्रभावित आईपीएल 2018 के 32वें मैच में दिल्ली डेयरडेविल्स ने डकवर्थ लुईस की मदद से राजस्थान रॉयल्स को 4 रनों से हराकर टॉप 4 में जाने की उम्मीद को अभी भी बरकरार रखा है। 2013 के बाद पहली बार दिल्ली डेयरडेविल्स ने राजस्थान रॉयल्स को हराया। कर्नाटक में आज रैलियों का रेला, पीएम मोदी, योगी और राहुल करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं। 25 करोड़ में लाल किला को नहीं दिया गया गोद, अन्य इमारतों को भी निजी कंपनियों को सौंपेगी सरकार। सोनम के घर में लंबे समय से संगीत की तैयारियां चल रही थी। फराह खान इस संगीत को कोरियोग्राफ कर रही थी, लेकिन अचानक फराह खान के साथ ऐसा हादसा हो गया कि संगीत की तैयारियां रोकनी पड़ी। राजस्थान में अंधड़ से 13 लोगों की मौत, यूपी में भी बरपा कहर। अक्षय की राह पर निकले संजय लीला भंसाली, पद्मावत में रणबीर और दीपिका के कॉस्ट्यूम को करेंगे नीलाम। केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने बुधवार को कहा, किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगना करने के लिए कैबिनेट ने कई फैसले किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने 8.7 करोड़ लोगों का प्रोफाइल डाटा लीक करके कई देशों में चुनाव परिणाम प्रभावित करने वाली विवाद कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने अपना कारोबार समेटना शुरू कर दिया है। भारत चीन सेना के बीच हॉटलाइन की तैयारी, एलसीए पर तनाव दूर, अब नहीं बढ़ेंगे 10 दिन तक पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों, ये थी कल की टॉप 10 खबरें। हर रोज, हर समय और हर जगह की ताज़ा खबर जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।